नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका मेरे YouTube चैनल मैं और मेरी दुनिया में स्वागत है। आज मैं आपके साथ मोरिंगा लीव्स यानी सहजन के पत्ते की सब्जी बनाने जा रही हूँ। और इसके लिए मैंने ली है एक कटोरी सहजन की पत्तियाँ, ये कुछ ऐसे दिखती हैं। इसके अलावा एक प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया है, एक टमाटर इसको भी काट लिया है, और एक कटोरी पनीर के क्यूब्स और एक आलू। इसके साथ कुछ बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, हींग और 3 कलियां लहसुन के जिसको मैंने बारीक काट लिया है, एक हरी मिर्च और जीरा। सब्जी के लिए कढ़ाई लगा गैस पे चढ़ा दी है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, उसके बाद 1 पिंच हींग की और लहसुन और आधी हरी मिर्च डाल दी है। और आप इसमें चाहें तो लहसुन स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ। मैं इसमें आलू और प्याज को एक साथ फ्राई करने वाली हूँ। अब इसमें हल्दी और नमक डालेंगे और फिर इसमें आलू और प्याज को डाल के इनको फ्राई करेंगे। मैं आलू और प्याज को एक साथ डाल रही हूँ और एक साथ इनको भूनूंगी, और क्योंकि हमको आलू को भी भूनना है गलाने तक, इसलिए इनको मैं दोनों को एक साथ लिया है और इनको 2 से 3 मिनट में इनको भूनूंगी। 2-3 मिनट हो गए हैं और ये देखिए प्याज हमारे लाल हो चुके हैं और 1 मिनट और भून लिया है मैंने। अब इसमें मैं एक बड़ा टमाटर मोटे टुकड़ों में काट के डाल दूंगी। इसके अलावा आप मसाले डालेंगे, धनिया, मिर्च, हल्दी पाउडर डाल के इसको 1-2 मिनट और पकाएंगे और फिर ढक्कन लगा के हम इसको आलू को पकने तक इसका वेट करेंगे, धीमी आंच पे पकाएंगे। ये देखिए हमारे आलू अब गल चुके हैं। आलू गलने के बाद आप इसमें जो मोरिंगा लीव्स हैं यानी सहजन की पत्तियां डालें। ये सहजन की पत्तियों में कैल्शियम, विटामिन सी, बी, पोटेशियम, आयरन बहुत मात्रा में पाया जाता है, तो इसको इसकी सब्ज़ी खाने में बहुत न्यूट्रिशन है और इसको ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसमें अमचूर डाल रही हूँ। आप इसको जब सहजन की फली पत्ती डालते हैं तो इनको डालने के बाद आप इसको इसके ढक्कन लगा के नहीं पकाएं, इसको खुले में ही पकाएं। अब ये क्योंकि सहजन की फली पालक की पत्ते पालक की तरह हैं तो ये फटाफट, जैसे पालक गल जाती है तो ये भी 2-3 मिनट 3-4 मिनट में ये फटाफट गल जाएंगे, पक जाएंगे। और ये देखिए हमने 2-3 मिनट हो चुके हैं और ये सब्जी बन के हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए इसको हम रोटी, सब्जी, पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करें। चलिए अब दूसरा मेथड जो है मैं उसके लिए तैयारी करते हैं। इसमें मैंने एक पैन लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून मैंने तेल लिया है, उसमें जीरा, हींग और आधी मिर्च डाल दी है, हरी मिर्च, और आधा प्याज मैंने बारीक काट के डाल दिया है। और इसको 1-2 मिनट हम प्याज को भूनेंगे। अब इसमें हल्दी और नमक नमक डालेंगे। और मसाले जो है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, किसी को तीखा पसंद होता है, किसी को फीका पसंद होता है, तो आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इसमें मिर्ची और धनिया डाला है और इसमें टमाटर डाल रही हूँ। इसमें मैं टमाटर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल रही हूँ और अब इसको हम 2-3 से 4 मिनट भूनेंगे। ये हमारा टमाटर गल चुके हैं और अब हम इसमें जो सहजन की पत्तियां हैं यानी कि मोरिंगा लीव्स, इसको ऐड करेंगे। मोरिंगा लीव्स सहजन की पत्तियां, अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप इसको आपकी भाषा में क्या कहते हैं इसको गूगल में सर्च कर सकते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि इनको क्या कहते हैं। ये सहजन की फलियां, जो सहजन की पत्तियां हैं इनकी फलियां भी होती हैं जिनको हम ड्रम स्टिक कहते हैं, जो सांभर में बहुत यूज़ आती हैं, वो उसकी भी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत है और सहजन की फूल की भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। ये मैंने पत्तियाँ डालने के बाद 3 से 4 मिनट मैंने इसको पका लिया है और ये पक के तैयार है। अब इसमें अमचूर डालेंगे, फिर 1 मिनट इसको और भुनेंगे ताकि सारा अमचूर सब्जियों में आराम से लिपट जाए। उसके बाद हम इसमें पनीर के क्यूब्स डालेंगे। पनीर के क्यूब्स डालने के बाद 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे ताकि सारे पनीर के क्यूब में हमारी सारी सब्जी, जो टमाटर और पत्ते वत्ते हैं, सब मसाले सब मिक्स हो जाए। और ये देखिए सब्जी हमारी तैयार है और आप इसे रोटी, पराठे किसी के साथ खा सकते हैं और इसको ज़रूर बनाएं और इसको अपने बच्चों को, बुजुर्गों को और ख़ुद भी ज़रूर खाएं, बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू है। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। जल्दी ही मिलती हूँ आपको अपने दूसरे वीडियो में अच्छी सी रेसिपी लेके। जब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय, राम राम, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।